बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। नन्ना सा बच्चा हिम्मत की बेहतरीन मिसाल बन गया, मासूर बच्चे ने तालीम को अहमियत दे डाली। मजीद जानते हैं कुंभ से हमारे नुमाइंदे सफदर चांडियों की इस खसूसी रिपोर्ट में। चाचा साईं मुझे छोकरो टन साल में पेर कटल आ, पढ़ाई की ढी मुसीबत है, इन के माजूर आ जो जो भी मदद कई वे अस गरीबन की मदद जो पढ़ाई इन पढ़ाई जो शौक शौक छोकरे जो पढ़ाई थी वे तो मेहरबानी से गरीब आयो अस मदद कई वे न पंध इंदो वेंदो आ साईं कंहिंमहिल असां आहियूं न मज़ूर माण्हू आहियूं ग़रीब पंध अचे वञे स्कूल कंहिं बि न कई आहे साईं असां चऊं था त हिन जी मदद कई वञे हिन जे लाइ को पढ़ाई जे लाइ अहिड़ो सिस्टम ॾिनो वञे जंहिं ते अचे वञे स्कूल हिन जी जंग लॻे मज़ूर आहे हिन जी मदद असांजी कयो महिरबानी कयो पढ़ण जो शौक़ु अथसि ॾाढो जंग खां हली नथो सघे मज़ूर आहे वीचारो महिरबानी कयो तव्हांजी महिरबानी थींदी। तफ़सीलात के मुताबिक नन्ही सी जान हौसले इतने बड़े जैसे हो कोई चट्टान। कुंभ के नवाही गांव मोहम्मद आरब सोलंगी का रिहायशी एक पांव से माजूर 6 साला आसूदो खान शर अजम वो हिम्मत की बेहतरीन मिसाल है। 3 साल कबल रोड हादसे में एक पांव कट जाने की वजह से ख़त्म हो गया था, उसके बाद भी माजूरी हौसलों में रुकावट ना बन सकी। वालिद ने बताया कि 3 साल कबल स्कूल से वापसी पर रोड हादसे में मासूम आसूदो शर का एक पाँव कट गया था, मगर तालीम का सिलसिला जारी रखा। गुर्बत के बाइस बाहिम्मत बच्चा घर से स्कूल तक 2 किलोमीटर तक का सफर पैदल तय करके स्कूल जाता है। बच्चे के इस हौसले ने इलाके में एक मिसाल कायम कर रखी है। बच्चे के वालिद आरिफ खान शर और स्कूल के प्रिंसिपल ने हुकूमत समेत मुखीर हजरात से अपील की है बाहिम्मत बच्चे को मस्नूई टांग लगवा कर इमदाद की जाए ताकि वो अपना तालीमी सिलसिला जारी रख सके। एकता टीवी न्यूज रिपोर्टर सफदर चांडियो। To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.